बुक शेयर की तरफ से आज आपके लिए एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है, आपने पिछले कई वर्कशॉप्स से सुनते आ रहे होंगे कि कीबोर्ड लगा के आप पूरा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के। तो उसी एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ साथ आप टाइपिंग कैसे कर पाएंगे इंग्लिश, हिंदी और तमिल में। तो पहली बात तो एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ टाइपिंग करने के लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ एक एक्सटर्नल कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। अब एक्सटर्नल कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला यूएसबी कीबोर्ड होता है जो आप ओटीजी केबल की मदद से आपके एंड्रॉयड फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जोड़ेंगे। दूसरे तरह का कीबोर्ड जो होता है वो होता है ब्लूटूथ कीबोर्ड। अगर आपका फ़ोन ओटीजी सपोर्ट नहीं करता है तब आप ब्लूटूथ कीबोर्ड का ऑप्शन आप ले सकते हैं। वायरलेस कीबोर्ड आता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। आप कोई सा भी कीबोर्ड यूज़ करिए, चाहे वो यूएसबी कीबोर्ड या ब्लूटूथ कीबोर्ड, दोनों को जोड़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, टाइपिंग फास्ट हो जाती है। आपने देखा होगा टच कीबोर्ड से टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। हमारे जो साइटेड साथी होते हैं वो फटाफट टाइप कर लेते हैं, लेकिन हमें सुन के टाइप करना होता है तो बहुत टाइम लगता है। इसी कारण से अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ज्वाइन करते हैं तो फटाफट टाइपिंग हो जाती है। लेकिन अब एक्सटर्नल कीबोर्ड ज्वाइन करेंगे तो हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे, तो चलिए हम वही आज सीखेंगे। इस डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं नोकिया 7.2 मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड्रॉइड 10 के साथ में। टॉक बैक ऑन। ये मेरा टॉक बैक ऑन हो गया है। अब हिंदी टाइपिंग करने के लिए एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। उस एप्लीकेशन का नाम है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर। मैं नाम वापस दोहरा रहा हूँ, एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर। आप ये नाम प्ले स्टोर पे सर्च करिए और इसके दो प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं। एक डेमो वर्जन आता है और एक प्रो वर्जन आता है। डेमो वर्जन फ्री है, आप थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसका प्रो वर्जन खरीद सकते हैं। प्रो वर्जन 140 रुपए का है, 140 रुपीस का प्रो वर्जन है। तो प्ले स्टोर पे जाइए और वॉइस सर्च करिए या फिर आप टाइप करिए एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर, पहली ही ऐप मिलेगी आपको, वो आप डाउनलोड करिए। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ नाम। प्ले स्टोर मैग्नम मिस प्ले स्टोर प्ले स्टॉप फ्री प्ले स्टोर सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स एडिटिंग सर्च फॉर एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर इन लिस्ट इंग्लिश इंडिया क्वर्टी कीबोर्ड हिडन शोइंग आइटम्स 3 to 10 of 31 नेविगेट अप बट सर्च गूगल वॉइस सर्च बटन ऐप एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर डेमो अपीड्रॉइड पर्सनलाइजेशन इंस्टॉल्ड इन लिस्ट 27 आइटम्स। तो ये एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर डेमो है, ये इंस्टॉल्ड बता रहा है क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है। आपको इसके अंदर जाके इंस्टॉल बटन पे डबल टैप करना है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। फॉर यू होम स्क्रीन 1 of 2 एप्स लिस्ट सर्च एप्स एडिट बॉक्स जीमेल इन ग्रिड 10 रोज 5 कॉलम्स गूगल कॉन्टैक्ट्स EKH settings. तो EKH settings ये नाम की आपको एप्लीकेशन मिलेगी। EKH यानी कि एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर। तो EKH settings ये ऐप में हमें जाना है और हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें इसकी पहले कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो हम वही सेटिंग्स हम देखेंगे। First run auto detecting layout. External keyboard helper settings. Auto detect layout. Try to auto detect layout by using the system language. 1 of 7 in list 7 items.
अब ये खुल गया है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर की सेटिंग्स ऐप। तो सबसे पहला है ऑटो डिटेक्ट लेआउट। तो आपकी ये कीबोर्ड की भाषा अपने आप डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जब आप इसे खोलेंगे, हमें आगे बढ़ना है। चूज कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश यूएस 2 of 7। चूज कीबोर्ड लेआउट, अभी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है। Combining characters, choose which characters that should be treated as combining character. Sound on key press, not ticked. Advanced settings, custom. वैसे कई सारे यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जैसे कि साउंड ऑन की प्रेस आपने सुना था। अगर आपको जब भी आप की दबाते हैं फिजिकल कीबोर्ड पे और अगर आपको साउंड चाहिए तो साउंड ऑन की प्रेस ये वाला ऑप्शन टिक करिए। हम जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में। By Pro Advanced settings, customize key mappings, detection settings and more, 5 of 7। ये fifth item है, 7 में से, 5वां नंबर का item है ये, 7 items में से, 5 of 7 इसने बोला। तो advanced settings में हम जाएंगे। Advanced settings, keyboard mapping, customize your key layout and change keyboard mapping related settings, 1 of 5। अब यहाँ पे कुछ settings हमें करनी है। थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमें हिंदी टाइपिंग शुरू करनी है और साथ ही साथ एक और हमें सेटिंग्स करनी है कि आसानी से आप इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही भाषा में एक शॉर्टकट की मदद से आप इसे बदल पाओ। एक आपने शॉर्टकट दबाया, इंग्लिश हो गया कीबोर्ड, फिर से शॉर्टकट दबाया तो हिंदी हो गया। जैसे विंडोज में अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपने देखा होगा विंडोज स्पेस से या ऑल्ट शिफ्ट से चेंज होता है। तो हम कुछ उसी प्रकार के शॉर्टकट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं। अब शॉर्टकट्स बनाने से पहले एक सेटिंग करनी होती है, हमें लेआउट एक कस्टम बनाना पड़ता है, कस्टम लेआउट हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे? कीबोर्ड मैपिंग, कस्टमाइज योर की लेआउट एंड चेंज कीबोर्ड मैपिंग रिलेटेड सेटिंग्स, 1 of 5। सबसे फर्स्ट ऑप्शन था ये कीबोर्ड मैपिंग। कीबोर्ड मैपिंग, कस्टमाइज योर की, इस कीबोर्ड मैपिंग में हम जाएंगे। कीबोर्ड मैपिंग, customize keyboard mappings, create a custom keyboard layout। keyboard mapping में भी कई सारे options हैं, हमें सबसे पहला ही option पे double tap करना है। customize keyboard mappings, create a custom, पहला option है customize keyboard mapping, हम इसमें जाएंगे। alert, do you want to start a new custom layout using the current English US layout as a base? custom 2 button, Cancel button। तो जैसे ही आप कस्टम कीबोर्ड मैपिंग में जाएंगे तो आपको वो बोलेगा कि क्या आपको कस्टम लेआउट बनाना है इंग्लिश यूएस का। तो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, कस्टम 2, कैंसिल और कस्टम 1। देखिए मैं सुना देता हूँ आपको। कस्टम 2 बटन, कैंसिल बटन, कस्टम 1 बटन। ये मैं सिर्फ लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये तीन आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कस्टम 1 पे डबल टैप करना है। कस्टमाइज कीबोर्ड मैपिंग्स, मूव ऑप्शंस बटन। तो ये कस्टम 1 पे डबल टैप कर दिया। अब हम बैक जाएंगे। कस्टमाइज कीबोर्ड मैपिंग्स, कीबोर्ड मैपिंग, कस्टमाइज कीबोर्ड मैपिंग्स, क्रिएट अ कस्टम कीबोर्ड लेआउट बेस्ड ऑन द एडवांस्ड सेटिंग्स। और एक स्टेप बैक जाएंगे, हम एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। दो बार बैक जाना है कस्टम 1 सिलेक्ट करने के बाद। अब एडवांस सेटिंग्स में ही हमें शॉर्टकट भी बनाना है, लैंग्वेज स्विचिंग शॉर्टकट। कीबोर्ड डिटेक्शन एंड्रॉइड 2.3, की रिपीटिंग चेंज, लैंग्वेज स्विचिंग, कॉन्फिगर इजी स्विचिंग बिटवीन अप टू 3 डिफरेंट लेआउट्स, 4 of 5। तो फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा, चौथा ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज स्विचिंग, ये एडवांस सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। ध्यान रखिए सबसे पहले कस्टम 1 वाला सेटिंग्स जरूर करिए, उसके बिना ये नहीं चलेगा। तो लैंग्वेज स्विचिंग में हमें जाना है।
लैंग्वेज स्विचिंग अब लैंग्वेज स्विचिंग में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा लैंग्वेज स्विच की चूज की ऑकी कॉम्बिनेशन दैट विल बी यूज्ड टू स्विच बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेआउट वन ऑफ फोर इन लिस्ट फोर आइटम्स लैंग्वेज स्विच की आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है जिससे लैंग्वेज बदल सके तो हम पहले वो देखेंगे लैंग्वेज स्विच की टिक्ड डिसेबल्ड टिक बॉक्स अभी ये डिसेबल्ड है लैंग्वेज स्विच की में हम चले गए सबसे पहले डिसेबल्ड पे फोकस गया ये टिक है इसे टिक हटाना है डबल टैप करेंगे टिक हट जाएगा नॉट टिक्ड उसके बाद अब यहाँ पे कैसा इसका लेआउट है मैं आपको बता देता हूँ डिसेबल्ड का टिक था वो हटा दिया उसके बाद एक स्कैन कोड करने का ऑप्शन है वहाँ एडिट बॉक्स दिया है वहाँ पे हम हमारी एक कोई भी एक बटन का कोड स्कैन करेंगे ये मैं बताता हूँ क्या है तो डिसेबल्ड के बाद स्कैन कोड है और उसके बाद दो और टिक बॉक्सेस है जो है ऑल्ट या फिर शिफ्ट ये दोनों टिक बॉक्सेस है इसमें से कोई सा भी एक हमें टिक करना है तो हम अब टॉकबैक यूज कर रहे हैं कीबोर्ड से तो ऑल्ट की जो है वो टॉकबैक की है तो हम ऑल्ट पे टिक नहीं करेंगे हम शिफ्ट पे टिक करेंगे स्कैन कोड चेंज बटन नॉट टिक्ड शिफ्ट टिक बॉक्स टिक्ड अब ये शिफ्ट पे मैंने टिक कर दिया अब मैंने जैसे बोला था कि स्कैन कोड ऑप्शन है तो वहां पे चेंज बटन मिलेगा उस चेंज बटन पे डबल टैप करना है ये शिफ्ट के टिक बॉक्स के पहले ही है चेंज बटन लैंग्वेज स्विच नॉट टिक्ड डिसेबल्ड टिक बॉक्स स्कैन कोड अभी स्कैन कोड चेंज बटन अब ये चेंज बटन तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं हमने शिफ्ट टू टिक कर दिया यानी कि एक की हमने चुन ली अब आप शॉर्टकट आपने यूज करे ही होंगे या पता होंगे जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है वी से विक्टर तो कोई भी शॉर्टकट आप देखिए ये एक से ज्यादा की का होता है एक से ज्यादा की कॉम्बिनेशन का होता है तो हमने शिफ्ट अभी टिक किया तो यानी कि एक जो बटन है हमारा शिफ्ट होगा और दूसरा बटन क्या होगा वो हमें तय करना है तो आप डिसाइड कर सकते हम रेकमेंड करेंगे कि आप दूसरा बटन कंट्रोल रखिए ताकि आपका जो शॉर्टकट है वो बनेगा शिफ्ट कंट्रोल ध्यान रहे आपका शॉर्टकट बनेगा शिफ्ट कंट्रोल ना कि कंट्रोल शिफ्ट तो चेंज पे डबल टैप करना है और कंट्रोल बटन दबाना है ताकि वो कंट्रोल बटन का कोड स्कैन कर ले स्कैन कोड चेंज बटन पुश अ बटन टू रीड इट्स स्कैन कोड एडिटिंग एडिट बॉक्स पुश अ बटन टू रीड इट्स स्कैन कोड अभी मैं कंट्रोल पुश करने वाला हूं लैंग्वेज नॉट टिक्ड दिस स्कैन कोड 29 तो जैसे ही आप कंट्रोल आपने पुश किया तो स्कैन हो गया इसका कोड और फोकस जो है वापस शुरुआत में चला जाता है तो ऐसे आपका ये शॉर्टकट बन गया है जो है शिफ्ट कंट्रोल चेंज बटन टिक्ड शिफ्ट नॉट टिक्ड ऑल्ट टिक बॉक्स नॉट टिक्ड नो ऑन स्क्रीन मैसेज कैंसिल बटन नॉट टिक्ड नो ऑन स्क्रीन मैसेज टिक बॉक्स कैंसिल सेव बटन अब सेव बटन मिला सेव आप कर दीजिए कुछ और ऑप्शन है जैसे कि कैन नॉट टिक्ड नो ऑन स्क्रीन मैसेज टिक बॉक्स नो ऑन स्क्रीन मैसेज अगर आप इसे टिक करते हैं तो क्या होगा कि जब भी आप लैंग्वेज स्विच करेंगे तो कोई भी मैसेज नहीं पढ़ेगा आपका टॉकबैक ऐसा नहीं बोलेगा कि लैंग्वेज स्विच टू इंग्लिश यूएस या फिर लैंग्वेज स्विच टू हिंदी ट्रेडिशनल ऐसे नहीं बोलेगा अगर आपको ऐसा करना है तो इसे टिक करिए नहीं करना तो इसे ऐसा का ऐसा रहने दीजिए तो मैं सेव कर रहा हूँ आगे कैंसिल सेव बटन language switching language switch key choose key or key combination अब language switch key तो हमने decide कर ली जो की हो गई shift control अब
दूसरी लैंग्वेज तो सेलेक्ट हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली इसने, इंग्लिश यूएस, तो पहली हमारी लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। लेकिन दूसरी भाषा हमें सेलेक्ट करनी है, वो इसी लैंग्वेज स्विचिंग में अगला ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें हम हिंदी चुनेंगे। Choose the second keyboard layout, no remapping 2 or 4. Choose the second keyboard layout. अब हमें इसमें डबल टैप करना है। Alert, choose the second keyboard layout. Ticked, no remapping, 3 of 93 in list, 93 items. तो Showing items 3 to 13 of 93. 93 items है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी ढूंढेंगे। Arabic 101. Ami Canadian French 16 of English Dvořák RH Estonian 33 of French France 38 of 9 German Europa German Swiss Greek 44 of 9 Greek Polatin Greenlandic 40 Hebrew 47 Hindi traditional 48 of 93 So 48 number pe hamari Hindi hai, तो इस हिंदी हमें मिल गया। डबल टैप करेंगे। Language switching. Choose the second keyboard layout. Hindi traditional. 2 of 4 in list. 4 items. Language switching. तो वापस हम language switching वाली विंडो में चले गए हैं और इसने बताया कि सेकंड कीबोर्ड लेआउट में हिंदी बराबर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये सेटिंग्स हमें करनी है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर एप्लीकेशन में। मैं फटाफट से वापस बता देता हूँ, आपको ये एप्लीकेशन खोलना है और सबसे पहले ऑटो डिटेक्ट करेगा ये लैंग्वेज। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग्स में जाके कीबोर्ड मैपिंग में जाना है और कस्टमाइज्ड कीबोर्ड मैपिंग करना है, उसमें कस्टम वन सेलेक्ट करना है। वो होने के बाद दो बार बैक आना है, आपको लैंग्वेज स्विचिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर ही फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज स्विचिंग, उसमें जाके हमने लैंग्वेज स्विच की यानी कि शॉर्टकट बनाया और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज भी हमने डिसाइड करी। अब हम बैक जाएंगे और एक छोटी सी और एक सेटिंग करनी होती है। जब भी आप अपना कीबोर्ड लगाते हैं तो आपको आपका जो कीबोर्ड आता है जी बोर्ड, टच में जी बोर्ड आता है, वो चेंज करना पड़ेगा और उसको बदल के एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर करना पड़ेगा, तभी आप हिंदी टाइप कर पाएंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एडवांस एप्स लिस्ट ईकेएच सेटिंग्स इनग्रिड 10 रोज 5 कॉलम्स एप्स लिस्ट। तो कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन आप खोलिए जिसमें आप टाइप कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल कीप खोल देता हूँ। आगे मैं गूगल कीप के बारे में ही बताने वाला हूँ हिंदी टाइपिंग करने के लिए। जीमेल, लुकआउट, शोइंग अप, लेंस, किबो, कीप नोट्स। कीप नोट्स एप्लीकेशन है। कीप नोट्स, सर्च योर नोट्स, एडिट बॉक्स। हम बुकशेयर टेक्निकल हेल्पलाइन से डेमो, यह एक डेमो नोट ओपन्ड। Showing items 1 to 2 of 2. Navigate up. Pin. Demo. Edit box. Yahi ek demo. Showing English India QWERTY keyboard. तो जैसे कि मैंने बोला था जी बोर्ड खुलता है काफी सारे मोबाइल में, तो उसे हम चेंज करेंगे एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर में। अगर आपके पास मोटरोला या नोकिया का फोन है यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड का फोन है, तो आप कैसे बदलेंगे? आपको ऐसे ही कीबोर्ड आपको खोलना है कोई भी ऐप के माध्यम से, और जैसे ही कीबोर्ड खुल जाए स्पेस बार पे लॉन्ग प्रेस करना है और वहां आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स में लैंग्वेज एंड इनपुट यहाँ जाना है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये ऑप्शन में जाके डिफॉल्ट कीबोर्ड या फिर डिफॉल्ट इनपुट मेथड, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ये चेंज करना है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर में।
तो मैं स्पेस बार पे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ये टच में ही करना है। स्पेस आउट ऑफ लिस्ट अलर्ट चेंज कीबोर्ड टिक्ड रेडियो बटन इंग्लिश इंडिया क्वर्टी 104 चेंज कीबोर्ड आउट ऑफ लिस्ट नॉट टिक्ड रेडियो बटन हिंदी इंडिया हिंदी Not ticked. Radio button. External keyboard helper demo. 3 of 4. तो external keyboard helper demo मुझे मिला. इस पे मैं double tap करूँगा और ये select हो जाएगा. Keep notes. Editing. यह एक demo email है आज के workshop के लिए. Edit box. Note for note. Body. In list. English India QWERTY keyboard hidden. अब हमने external keyboard helper सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे और कौन सी ऐप की मदद से हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे, और उसी प्रकार आप अपने असाइनमेंट, जो आजकल ऑनलाइन स्कूल शुरू हो चुकी है, कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स करने पड़ रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मदद लिए अपने असाइनमेंट्स खुद कैसे और कौन सी एप्लीकेशन की मदद से करेंगे। एप्स लिस्ट कीप नोट्स इनग्रिड 10 रोज। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं गूगल कीप के बारे में बताने वाला हूं, तो यही एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आपको लिखना है। गूगल कीप एक एक्सेसिबल एप्लीकेशन है, ये नोट्स बनाने में काम आती है। जैसे आपने देखा होगा, साइटेड जो हमारे साथी है वो फटाफट कागज में नोट कर लेते हैं किसी का मोबाइल नंबर, या कुछ लिस्ट अगर बनानी है, किराने से सामान लाने की लिस्ट बनाते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं इस गूगल कीप की मदद से। और आप अपने असाइनमेंट्स, होमवर्क, वो सब भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो गूगल कीप आप प्ले स्टोर पे सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इंस्टॉल कर लीजिए, कीप नोट्स के नाम से ये इंस्टॉल आपके मोबाइल में होगा। कीप नोट्स, ये कीप नोट्स एप्लीकेशन, हमें इस पे डबल टैप कर रहे हैं। कीप नोट्स, सर्च योर नोट्स, एडिट बॉक्स, गूगल कीप, कीप नोट्स। अब इस गूगल कीप की जो ये एप्लीकेशन है कीप नोट्स, इसकी अगर लेआउट की बात करें तो ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं और एकदम नीचे की तरफ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट सर्च बॉक्स पे गया है फोकस, सर्च योर नोट्स, एडिट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं हम, ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन। नेविगेशन ड्रॉअर है जिसमें आपको और कई ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपने कोई नोट्स आर्काइव करके रखे हैं तो आर्काइव मिलेगा, कोई नोट्स आपने डिलीट करे हैं तो बिन ऑप्शन मिलेगा, BIN, बिन। तो वहां पे आपके डिलीटेड नोट्स रहते हैं 15 दिनों तक, तो ऐसे ऑप्शंस आपको ये नेविगेशन ड्रॉअर में मिल जाएंगे। मल्टी कॉलम व्यू, ये बटन आप लोगों के मोबाइल में जब आप पहली बार कीप नोट्स खोलेंगे तो ये बटन नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको मिलेगा लिस्ट व्यू। तो आपको उस पर डबल टैप करना है और उसके बाद ये मल्टी कॉलम व्यू बटन आपको मिलेगा। क्यों डबल टैप करना है लिस्ट व्यू बटन पे? तो उस लिस्ट व्यू बटन पे डबल टैप आप करेंगे तो जो नीचे नोट्स जिस प्रकार से दिख रहे हैं या टॉकबैक जिस प्रकार से पढ़ रहा है वो लिस्ट के रूप में पड़ेगा, अगर आप लिस्ट व्यू बटन पे डबल टैप करते हैं तो, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। साइन इन एज इंडिया बुकशेयर, india.bookshare@gmail.com, ओपन अकाउंट मेन्यू। अब जैसा कि आपको पता है ये एक गूगल का एप्लीकेशन है, तो ऑटोमेटिक आपके एंड्रॉइड मोबाइल के गूगल अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, तो ये बुकशेयर के ईमेल आईडी से कनेक्टेड है। और इसके बाद अब आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। डेमो, यह एक डेमो ईमेल है आज के वर्कशॉप। तो मैंने एक ये डेमो नोट बना के रखा था आज के वर्कशॉप के लिए, मैंने ये हिंदी में ही लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग करके भी बताऊंगा और आसानी से आप
कैसे इंग्लिश और हिंदी में स्विच करेंगे ये भी बताऊंगा एक नए नोट में। तो आप नया नोट कैसे बनाते हैं? तो जैसे कि मैंने बोला था आखिरी में चार बटन और है, तो आपने एक्सटर्नल कीबोर्ड तो लगा ही रखा है, डायरेक्ट हम आखिरी वाले बटन पर जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो से। न्यू टेक्स्ट नोट बटन आउट ऑफ लिस्ट, तुरंत आपका फोकस जो है न्यू टेक्स्ट नोट ये बटन पर मिलेगा। आप इस पर एंटर करिए, नए नोट बनाने की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी, आप नए नोट वाली विंडो में चले जाएंगे। लेकिन इसके पहले कुछ और ऑप्शंस भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू फोटो नोट, आप एक बटन है न्यू फोटो नोट, आप फोटो नोट भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको फोटो खींच के सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। न्यू ऑडियो नोट, ऑडियो नोट भी बना सकते हैं आप, कुछ रिकॉर्ड करिए फटाफट और गूगल कीप में सेव कर लीजिए। न्यू ड्राइंग नोट, न्यू ड्राइंग नोट ये जो ऑप्शन है ये ज्यादातर साइटेड इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ करने के लिए, अगर पेंटिंग वगैरह उन्हें करनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। न्यू लिस्ट, ये न्यू लिस्ट है, जैसे मैं बता रहा था कि हमें कुछ अगर लिस्ट बनानी है सामान की, या मान लीजिए आज के दिन में हमें ये काम करने हैं, इसकी लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। तो अब वापस चलते हैं न्यू नोट के बटन पे। न्यू टेक्स्ट नोट बटन, न्यू टेक्स्ट नोट में इस पे ऑल्ट एंटर दबा रहा हूँ। ऑल्ट एंटर यानी कि जब टच में जो हम डबल टैप करते हैं इसके अंदर जाने के लिए, इसे एक्टिवेट करने के लिए वही शॉर्टकट है कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर। नोट ओपन्ड, तो ये नोट ओपन हो चुका है। ऐड बटन, एडिटिंग नोट, एडिट बॉक्स फॉर नोट बॉडी इन लिस्ट। तो डिफॉल्ट नोट बॉडी पे फोकस चला जाता है जो कि एडिटिंग हो रहा है अभी। नोट बॉडी वो जगह है जहां पे आप अपने नोट्स लिखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं शुरू में फोकस ले जाता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट एरो से। नेविगेट अप बटन आउट ऑफ लिस्ट, तो सबसे पहला बटन आता है नेविगेट अप बैक जाने के लिए। अगर आपने कुछ लिखा है और बैक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है यहीं से। पिन, रिमाइंडर, पिन। नेक्स्ट बटन है पिन, अगर आप उस नोट को सबसे पहले पिन करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं रिमाइंडर। नेक्स्ट है रिमाइंडर, अगर आप इस नोट का कुछ रिमाइंडर रखना है, जैसे कि ये असाइनमेंट 15 नवंबर तक होना चाहिए, तो ऐसा आप रिमाइंडर रख सकते हैं। आर्काइव, आर्काइव कर सकते हैं नोट्स को। टाइटल, एडिट बॉक्स फॉर नोट टाइटल इन लिस्ट। अब ये टाइटल आ गया, तो मैं टाइटल दे देता हूँ। अब टाइटल किस में दे रहे हैं, मैं टाइप करके देखते हैं क्या भाषा आ रही है। कैपिटल डी, तो इसने बोला कैपिटल डी यानी कि इंग्लिश आ रही है। कैपिटल डी डिलीटेड, अब देखते हैं शॉर्टकट मिलता है क्या। शिफ्ट कंट्रोल दबा रहा हूं मैं। स्विच टू द सेकंड कीबोर्ड लेआउट हिंदी ट्रेडिशनल, ये स्विच हो गया, शिफ्ट कंट्रोल दबाने से स्विच हो गया, तो हिंदी भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना है क तो क, मा, ला, कमल, इसने कमल लिखा। ये आप देखिए हिंदी में लिख रहा है और एक्सटर्नल कीबोर्ड से हम लिख रहे हैं, तो कितनी जल्दी आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर यही आप टच कीबोर्ड में करते तो टाइम लगता। सेलेक्ट क्लियर टेक्स्ट, स्विच टू द फर्स्ट कीबोर्ड लेआउट कस्टम वन। मैं वापस कस्टम वन में आ गया। कस्टम वन आपने, अगर आपको याद होगा तो हमने बनाया था इंग्लिश के लिए, तो कस्टम वन इंग्लिश भाषा का लेआउट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो टाइटल कैपिटल डी, ये मैंने लिखा डेमो नोट, नोट डेमो बिगिनिंग डेमो नोट एंड ऑफ फील्ड Editing, note, edit box for note body. अब next जो edit box रहता है,
वो है नोट बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऐड बटन आउट ऑफ लिस्ट, ऐड, अगर आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे, जैसे कि टेक फोटो इन लिस्ट, ऐड बटन में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन है टेक फोटो, ऐड इमेज, ऐड इमेज, ड्राइंग, ड्राइंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, टिक बॉक्सेस। तो आप ये सारी चीजें यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन आउट ऑफ लिस्ट, टिक रिकॉर्डिंग, नेविगेट अप, शोइंग आइटम्स 1 to 5, न्यू साइंड इन एज इंडिया बुकशेयर, डेमो नोट इन डेमो, यही हम बुकशेयर टेक्निकल हेल्पलाइन से, डेमो यही नोट एडिटिंग, डेमो एडिट बॉक्स, यही एक डेमो ईमेल है। Add button out of list. Add button के बाद edited the 24th of October. अगर कोई नोट पहले से बनाया है तो बता भी देता है कि ये कब बनाया था। Action button. Action button है, ये एक बड़ा ही जरूरी बटन है। मान लीजिए अगर आपने आपका असाइनमेंट यहाँ लिख के पूरा हो गया तो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपको हेडिंग लेवल देना है या कुछ पैराग्राफ टेबल अगर आपको ऐड करना है या कोई भी फॉर्मेटिंग हो, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है, कोई चीज हाईलाइट करनी है, तो ये गूगल डॉक्स में होगा। तो आप यही आपका जो असाइनमेंट है गूगल डॉक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं इस एक्शन बटन के मदद से। डिलीट इन लिस्ट, मेक अ कॉपी, सबसे पहले था डिलीट, अगर नोट को डिलीट करना है तो, और दूसरा जो ऑप्शन था वो है मेक अ कॉपी, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वो बोलेगा कॉपी टू गूगल डॉक्स, तो इसमें फिर डॉक्स में ये कॉपी हो जाएगा और आप वहां पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हिंदी भाषा में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कीप नोट्स में हो या आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन में हो। तो सेटिंग्स क्या क्या करनी है हमने वो देखा, और नोट्स या असाइनमेंट्स कौन सी एप्लीकेशन से बनाने हैं हमने आज वो देखा। तो इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर कोई आपको दिक्कत अगर आती है तो हमारे बुकशेयर के हेल्पलाइन नंबर भी है, बुकशेयर का पहला हेल्पलाइन नंबर है 9284028466। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, बुकशेयर का पहला हेल्पलाइन नंबर है 9284028466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 9650211575। ये सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दोनों ही नंबर चालू रहते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमें कॉल करके। धन्यवाद।